पैंडमिक की वजह से हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है। क्लासेस ऑनलाइन है, स्कूल्स ऑनलाइन है, कॉलेजेस ऑनलाइन है, और अब तो इंटरव्यूज भी ऑनलाइन ही होने लग गए हैं। तो इस ऑनलाइन इंटरव्यू की वजह से कई बार ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जिनमें आप स्टक हो सकते हैं, मींस आप फंस सकते हैं कि आपको कुछ बोलना है ऑनलाइन अपने लैपटॉप से रिलेटेड किसी भी चीज़ के बारे में। आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें आपका इंग्लिश में इंटरव्यू चल रहा है और आपको समझ ही नहीं आता कि अब क्या बोलें। अगर कोई नॉर्मल सिचुएशन होती है तो आप उस चीज़ को हिंदी में भी बोल सकते हैं, बट अगर आपका इंटरव्यू चल रहा है और जहाँ पर पूरी कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में ही चल रही है तो वहाँ पर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। सो फॉर दैट पर्पस ओनली आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस वीडियो, एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर सम फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस विच यू कैन यूज इन योर ऑनलाइन इंटरव्यू। एंड आई नो सच सिचुएशंस आर डेफिनेटली गोइंग टू अकर इन योर ऑनलाइन इंटरव्यूज, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपको ऑनलाइन इंटरव्यू में इस चीज़ को कैसे इंग्लिश में बोलना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली आपकी सिचुएशन आ सकती है, सपोज़ वैसे तो कोई भी इंटरव्यू है तो आपको अपना लैपटॉप या फ़ोन की बैटरी को पहले से ही फुली चार्ज करके रखना है, बट इन एनी सर्कमस्टेंस आपको लगता है कि आपके लैपटॉप या फ़ोन की बैटरी शॉर्ट हो रही है, बैटरी कम हो रही है, तो आप उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आपकी अगर फ़ोन या लैपटॉप की बैटरी बहुत कम रह गई है और किसी भी टाइम वो ख़त्म हो सकती है तो आप उसे बोलेंगे द बैटरी ऑफ माई लैपटॉप इज़ रनिंग डाउन, और यू कैन से द बैटरी ऑफ माई फोन इज रनिंग डाउन। तो बैटरी लो होने को हम बोलते हैं बैटरी इज रनिंग डाउन, तो इस तरह से आप इसे यूज करेंगे। अब अगर बैटरी रनिंग डाउन तो हो गया, बट किसी भी सिचुएशन की वजह से आपकी सपोज आपके फ़ोन आपके लैपटॉप की बैटरी पूरी ख़त्म ही हो जाती है और वो बंद हो जाता है, तो आप उसे कैसे बताएंगे किसी को? तो आप बोलेंगे द बैटरी ऑफ माई लैपटॉप हैज़ exhausted, means पूरी तरह बैटरी ख़त्म हो जाने को हम बोलते हैं बैटरी has exhausted। exhaust word जो है वो वैसे उसका meaning होता है tired, पूरी तरह से tired, but बैटरी के लिए भी हम exhausted use करते हैं। तो उसके बाद एक और सिचुएशन आ सकती है जिसमें आपको किसी को बोलना है, किसी भी ऑनलाइन इंटरव्यू में या किसी भी ऑनलाइन मीटिंग में आपको किसी को बोलना है कि अपना कैमरा ऑन कर लो, तो आप सोचेंगे कि इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ टर्न योर कैमरा ऑन, प्लीज़ टर्न योर कैमरा ऑन। या फिर इसी तरह अगर आपको किसी को बोलना है कि अपना कैमरा ऑफ कर लो, बंद कर लो, तो आप बोलेंगे प्लीज़ टर्न योर कैमरा ऑफ, प्लीज़ टर्न योर कैमरा ऑफ। तो इसी तरह अगर आपको लग रहा है कि किसी की तरफ से कोई डिस्टर्बेंस आ रही है और आपने उनको चुप करवाना है, तो आप ऑनलाइन क्लास में या ऑनलाइन इंटरव्यू या मीटिंग में आप कैसे बोलेंगे? आप उन्हें बोलेंगे प्लीज़ म्यूट योर सेल्फ, प्लीज़ म्यूट योर सेल्फ, इस तरह से बोलेंगे। या फिर अगर किसी को अनम्यूट करने के लिए बोलना है तो आप बोलेंगे प्लीज़ अनम्यूट योर सेल्फ, म्यूट योर सेल्फ या अनम्यूट योर सेल्फ। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको स्क्रीन शेयर करना है तो आप उसके लिए परमिशन कैसे मांगेंगे? तो आपको किसी से स्क्रीन शेयर करने की परमिशन लेनी है तो आप उन्हें बोलेंगे प्लीज़ गिव मी एक्सेस टू शेयर द स्क्रीन, प्लीज़ गिव मी एक्सेस टू शेयर द स्क्रीन। सो इस तरह से आप ऑनलाइन मीटिंग्स इंटरव्यूज़ या क्लासेस में इस तरह के सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं बहुत ईजीली। सो आप एक बार फिर से इस वीडियो को ऑन करके दोबारा से इसकी प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको किसी भी सिचुएशन में किसी भी तरह की ह्यूमिलिएशन को फेस ना करना पड़े। सो इफ़ यू फाउंड द वीडियो यूजफुल लाइक इट, सब्सक्राइब टू किंगडम ऑफ लर्निंग, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।